अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आज हम बनाने जा रहे हैं होम मेड नान। इसमें हम नान बनाना बताते हैं। हमने 1 kg मैदा लिया है, 1 kg मैदा। और इसमें हम पहले ये डाल देते हैं, ईस्ट डालेंगे, जो इसमें फ़ौरन डाल करके ये इस तरह रहती है, ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे, उसमें सूजी के जैसा, तो रवे की तरह रहती है ये, ब्राउन कलर की। ये हम इसमें इसी में डाल करके इसको गूंद लेंगे आटा इसका। हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे भर करके, चाय की चम्मच आती है उससे डालेंगे। 30 ml हो गई ये। और इसमें हम शक्कर डालेंगे, पिसी हुई शक्कर रहे तो ज़्यादा अच्छी है, नहीं तो थोड़ी मोटी शक्कर नहीं है मेरी, महीन शक्कर है, इस वजह से हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून शक्कर भी जाएगी मेरी। और नमक डालेंगे इसमें हम भर करके 1 चम्मच। और इसको हमें गुनगुने पानी में गूंदना है। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डालेंगे, 3 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल डालेंगे ऐसे। इसको मिक्स कर लेना है ऐसे, और ये गुनगुने पानी में से, बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना रहे ना बहुत ज़्यादा ठंडा रहे, मतलब नीम गर्म रहना चाहिए पानी, नहीं तो हमारी जो ईस्ट डाली है हम, वो हमारी, अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी रहेगा तो ईस्ट हमारी मर जाएगी और हमारा आटा फूलेगा नहीं। तो इसको हम गूंद लेते हैं। तो ये हमारा आटा, हमने सॉफ्ट आटा गूंदना है, बहुत कड़क नहीं गूंदना है ना बहुत नरम गूंदना है, मीडियम उसमें गूंदना है, जो सॉफ्ट उंगली डालने पे ऐसे घुस जाए। और ये हमें इसमें तेल लगा लेना है। इसको हमें जब तक हमारा ये आटा डबल ना हो जाए तब तक के लिए हमें इसे रखना है ऐसे, और ऊपर से तेल तेल लगा देना है। और क्लीनिंग रैप से या ढक्कन से आप इसको गर्म जगह पे, जहाँ पे गर्म जगह हो उसे आपको रख देना है। तो चलिए इसको हम, इसे डबल ना हो जाए आटा तब तक के लिए, हम डबल होने के बाद आपसे मिलते हैं, फिर इसकी नान बनाते हैं। हम इसको क्लीनिंग रैप से रैप कर देंगे ताकि हमारा आटा, आटे को हवा ना लगे और कड़ा ना हो हमारा आटा। और हमें इसमें ऊपर तेल लगा देना है ताकि हमारा आटा कड़ा ना हो। ये ऐसे क्लीनिंग रैप कर देना है। तो चलिए जब तक ये डबल हो रहा है उसके बाद हम इसको नान बनाएंगे। आटा गूंद करके देखिए कितना डबल हो गया है, ये आटा कितना फूल गया है। इसको हम निकाल देते हैं और हल्का सा हम इसमें हाथ में तेल लगा करके तब इसको, इसकी हवा निकाल देंगे। तो ये देखिए हमने इसको इस पे, इसको इसके जितनी हवा थी हमने निकाल दी है, और हमको इसमें से छोटे छोटे पेड़े बना लेना है ऐसे, छोटे पेड़े। हम इसको बेलेंगे नहीं, ये इतना सॉफ्ट होते हैं कि इसको हम हाथ ही से इसकी रोटी बनाएंगे। हमने ऐसे पेड़ा बना लिया है और इसको हम तेल लगा करके इस पे इसको ऐसे फैला देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से ये फैल जाता है। और आप इसका शेप चाहे आप इसको गोला बनाइए चाहे लंबा बनाइए। ये देखिए और इस पे हम थोड़ी सी, और हल्के हाथ से इसको ऐसे उठा लीजिए, बिल्कुल हल्के हाथ से। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप इसमें मैदा लगा करके भी बेल सकते हैं। ये देखिए इसमें हम थोड़े से तिल भी लगा देते हैं जिससे हमारा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए ऐसे लगा दीजिए चाहे ब्रश से, ऐसे बिल्कुल हल्के हल्के पानी लगा देना है, सॉरी तेल नहीं लगाना है, पानी लगाना है। और इसको हमको तवे पे डाल देना है, जिस तरफ पानी लगा है उसी तरफ डाल देना है।
ये देखिए, तो ये देखिए इसमें छोटे छोटे बबल्स आने लगे हैं, ये फूलने लगा है। इससे छोटे छोटे बबल्स आ जाएं तो इसको हमें ऐसे तवे को, ये हैंडल वाला तवा लीजिएगा तब ये अच्छे से बन पाएगा। बगैर हैंडल वाला तवा नहीं यूज़ करना है, नहीं तो जलने का डर रहेगा। और ये देखिए हमारे बबल्स आ गए हैं और हमें रोटी को ऐसे पलट देना है और फ्लेम को थोड़ा मीडियम करके सेकना है। बहुत नीचे नहीं ले जाना है, ऐसे सेक लेना है। गई है अच्छे से और ऐसे ही उलट करके सेक लेना है सब नान। ये देखिए ऐसे अभी तक चिपकी है, ये निकली नहीं। नॉन स्टिक में ही बनाना है, नहीं तो और कोई तवे में बनाएंगे तो ये नान चिपकेगी नहीं। नॉन स्टिक में ही सिर्फ ये चिपकेगी नीचे, तो इसमें हमें निकाल लेना है। ये देखिए अभी तक चिपकी हुई है, इसको है, और जब तक ये अपने से ना निकल जाए तब तक हमको इसको फ्लेम पे ही रखना है, नहीं तो नीचे कच्ची रहेगी। तो ये देखिए हमारी नान बनके तैयार हो गई है। ये देखिए अभी हम और नान बना लेते हैं तो आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारी नान बनके तैयार हो गई है, बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए इसको चाहे जितना फोल्ड करिए और दो दिन तक आप रखे रहिए तब भी ये कड़ी नहीं होगी। जो होटलों में मिलती है बहुत कड़ी हो जाती है और हमको पसंद नहीं है, हम लोग ऐसे घर में ही बनाते हैं ये। और ये देखिए बहुत सॉफ्ट है, इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है। आप इसको बनाइए और ट्राई कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।